राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी एक खास बात थी कि जब वो दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते तो अपनी नजरें नीचे झुका लेते थे। ये बात सभी को अजीब लगती थी कि राजा कैसा दानवीर है, दान भी देता है और इन्हें शर्म भी आती है। ये बात जब गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंची तो उन्होंने राजा को चार पंक्तियां लिख भेजी जिसमें लिखा था, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, ज्यो ज्यो ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका मतलब था कि राजा तुम ऐसा दान देना कहां से सीखे हो, जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नजरें तुम्हारे नैन नीचे क्यों झुक जाते हैं। अद्भुत बात। राजा ने इसके बदले में जो जवाब दिया वो जवाब इतना गजब था कि जिसने भी सुना वो राजा का कायल हो गया। साथियों, वो इतना प्यारा जवाब आज तक किसी ने किसी को इस धरती पे नहीं दिया। राजा ने जवाब में लिखा, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासों नीचे ने। मतलब देने वाला तो कोई और है, वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूं, राजा दे रहा है। ये सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरी आंखें नीचे झुक जाती है। वो ही करता है, वो ही करवाता है, ऐ बंदे तू क्यों इतना इतराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस की, वही सुलाता है वही जगाता है। एक बात सोचिए कि आपको दिया पहले है कि आपने दिया पहले, भगवान ने आपको पहले दिया है फिर आपने दिया है, तो किस बात का घमंड।